हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है राजेंद्रा नर्सिंग एकेडमी पर। राजस्थान सीएचओ पेपर लीक मामला, सीएचओ महा आंदोलन। आज 18 अप्रैल है, 18 अप्रैल को राजस्थान सीएचओ के राजस्थान के सभी सीएचओ और जिन्होंने परीक्षा दी है और जो सीएचओ लग चुके हैं सभी मिलकर आज महा आंदोलन करने वाले हैं स्वास्थ्य भवन पर। और स्वास्थ्य भवन से सीधे खुशखबरी आने वाली है, स्थायीकरण सैलरी इंसेंटिव सीएचओ पेपर रद्द को लेकर आंदोलन तेज हो चुका है। चलिए बात करते हैं राजस्थान सीएचओ पेपर लीक मामले में। ब्रेकिंग न्यूज है कि स्वास्थ्य भवन से जल्द ही कोई खुशखबरी आने वाली है और 18 अप्रैल स्वास्थ्य भवन पर धरना प्रदर्शन तेज, स्थायीकरण सैलरी इंसेंटिव सीएचओ पेपर रद्द को लेकर आंदोलन तेज हो चुका है, शाम तक मिलेगी खुशखबरी। भरत बेनीवाल के नेतृत्व में आज प्रदेश के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी अपने हक के लिए स्वास्थ्य भवन पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग पूरी होगी तभी धरना प्रदर्शन बंद करेंगे। भरत बेनीवाल भाई साहब के नेतृत्व में प्रदेश के सारे सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी एकत्रित हुए हैं और महा आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि सीएचओ को आने वाली विभिन्न प्रॉब्लम्स समस्याओं का समाधान आज होना चाहिए और जो सीएचओ का स्थायीकरण है वो होना चाहिए। साथ में सीएचओ की जो इंसेंटिव है उसको सैलरी के साथ मर्ज किया जाना चाहिए और सीएचओ पेपर रद्द को लेकर आज विभिन्न मुद्दों को लेकर जो है धरना प्रदर्शन तेज हो चुका है। लगातार प्रशासन से और एनएचएम एमडी से बात चल रही है। सीएचओ के विभिन्न मुद्दों को लेकर जल्द ही फैसला होने वाला है। जैसे ही कोई अपडेट मिलती है आपको बता दिया जाएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अपडेट पाने के लिए। तो दोस्तों, राजस्थान सीएचओ में सारे के सारे जो सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी है आज जो है सामूहिक अवकाश लेकर जो है स्वास्थ्य भवन पर प्रदर्शन कर रहे हैं अपने स्थायीकरण के लिए, साथ में सैलरी और इंसेंटिव को मर्ज करवाने के लिए, सीएचओ पेपर को रद्द करवाने के लिए आंदोलन तेज हो चुका है। शाम तक जो है खुशखबरी मिलने की जो है आश्वासन मिल रहा है। शाम तक कुछ ना कुछ बड़ी खुशखबरी अपने को मिलने वाली है। जैसे ही कोई अपडेट आती है दोस्तों तो आप तक शेयर कर दी जाएगी, तो आप चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लें और आने वाली हर एक अपडेट आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्या सीएचओ नियमित होगा या फिर सीएचओ स्थायीकरण होगा कि नहीं होगा, इंसेंटिव और सैलरी मर्ज होगी कि नहीं होगी, आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताना। और सीएचओ पेपर जो लीक हुआ है वो रद्द होगा कि नहीं होगा, जो भी आपकी राय है आप कमेंट बॉक्स के अंदर हमें बता सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज का जो ये आंदोलन है ये सक्सेसफुल रहे, जैसे कि इससे बेनिफिट क्या होगा, बेनिफिट होगा कि जो सीएचओ अभी लगेंगे उनको परमानेंट किया जाएगा और जो लग चुके हैं उनको भी परमानेंट किया जाएगा, सैलरी और इंसेंटिव एक साथ मर्ज हो जाएंगे। साथ में ही सीएचओ का पेपर अगर रद्द हो जाता है तो पेपर जल्द से जल्द पेपर दोबारा होगा, जिसकी संपूर्ण तैयारी अपने यहाँ चैनल पर करवाई जाएगी आप सभी को। तो आपकी राय जो है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको जो है स्थायीकरण होगा कि नहीं होगा, सैलरी इंसेंटिव मर्ज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, सीएचओ का पेपर रद्द होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो पेपर हुआ था फरवरी में, 19 फरवरी को जो पेपर हुआ था, पेपर के जस्ट बाद ही ये न्यूज़ चलने लगी थी कि पेपर जो है आउट हो चुका है। पेपर पहले ही व्हाट्सएप पे आ चुका था और इसके बहुत सारे सबूत जो है बोर्ड में जमा भी करवा दिए थे। बोर्ड में इतने सारे सबूत देने के बाद बोर्ड ने खुद जो है इसकी पैरवी करते हुए एसओजी में मुकदमा दायर करवा दिया था। एसओजी ने रिपोर्ट की जांच की, अब रिपोर्ट की जांच के बाद में एसओजी ने बोला है कि जो बोर्ड है वो खुद ये डिसाइड करे कि पेपर रद्द हुआ है कि नहीं हुआ। अब बोर्ड ये बोल रहा है कि सरकार ये डिसाइड करेगी, तो एक दूसरे पर जो है ये लिपापोती चल रही है। आपको क्या लगता है दोस्तों कि स्थायीकरण सैलरी इंसेंटिव और सीएचओ पेपर रद्द होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आंदोलन में सभी भाग लें। और उम्मीद करता हूँ कि जो भी अपडेट आपको मैं दे रहा हूँ वो सही मिलेगी और इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।